हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। एक्चुअली आप बड़े दिनों बाद वीडियो में आया हूँ मैं। वीडियो एक्चुअली ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और वीडियो बनाने के टाइम भी लग रहा है, साथ में एडिटिंग में बहुत टाइम लग रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली कुछ ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा था पिछले कुछ दिनों से, और पीयूष भी स्टडी में बहुत बिजी है और उसका भी टाइम कम्प्लीट, मतलब काम भी होमवर्क जो है वो भी काफ़ी रह जाता है। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं अपने मोशन में, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। एक्चुअली हमने डिसाइड किया कि हम ना व्लॉग करेंगे अल्टरनेटिव डेज में, एक दिन छोड़ के दिन, मतलब डेली का नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑफिस भी जाना है, शॉप पे भी काम है और पीयूष को स्कूल का वर्क भी करना, होमवर्क भी करना है, सारा कुछ करना है, तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम दिन के बाद एक दिन अन्वेषा मेरे साथ आ गई। अन्वेषा क्या कर रही है, अन्वेषा ना रोजाना पेंटिंग बनाती है, रोजाना कहती है पापा एक वीडियो शूट करो मेरी। आज देखो अन्वेषा, हेलो करो फ्रेंड्स। हेलो। तो अन्वेषा ये क्या लेके आए हो आज, तो कमाल हो गया। अन्वेषा क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है अन्वेषा। देखो सारे रूम में हमारे अन्वेषा ने क्या दिखा रहा है, दिखाना अन्वेषा क्या। अन्वेषा ये क्या चीज बनाई है भाई तूने। मैंने पेंटिंग बनाई है। किस चीज़ पे? अरे ये क्या है? ये घर है। किसका घर है? अरे पेंटिंग के लिए बनाया है ना घर। अच्छा ये क्या चीज़, ये क्या लगाया, सारा कुछ बता दो। ये झूला है। अच्छा। अरे क्लाउड है। अच्छा। दोनों। अरे क्रिसमस ट्री है। अच्छा। और ये मैंने डंडी डंडी सी बनाई है। क्या डंडी डंडी सी क्या है, व्हाट इज दिस? मतलब जैसे डॉल जो घर नहीं होता है। क्या क्या लगे थे ये गांव ही तो है। ये पूरा गांव बचा दिया तुमने? हाँ गांव ही तो ये। अच्छा पूरा गांव एक ही घर में गांव आ गया। अच्छा ये क्या लगाया, ये क्या है? ये घास है। अच्छा ये कौन खड़ा कर दिया? एक बच्चा। अच्छा अच्छा ये क्या है, ये गोल गोल से? ये पत्थर है और इसके अंदर मछली है। मछली दिख तो रही नहीं। मछली क्योंकि मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। ओहो मतलब देखो क्रिएटिविटी देखो आप, इसकी इन्वेंशन की क्रिएटिविटी देखो भाई। एक ही पिक्चर में इन्हें सारा कुछ बना दिया, मतलब पूरा का पूरा गांव बसा दिया उसमें। देखो झोपड़ी भी बना दी, झूले भी लगा दिए, घास भी लगा दी, बच्चे भी खेल रहे हैं और एक पत्थर लगा के मछली भी तैर रही है, बारिश भी हो रही है, मतलब क्लाउड है, क्रिसमस भी बना दिया इसने इसके अंदर ही। वेरी गुड भाई, भाई अन्वेषा के लिए जोरदार तालियां। आप देख रहे हैं तो वीडियो में एक कमेंट जरूर बनता है इस चीज़ के लिए, और प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। हम एक्चुअली वीडियो बनाने हम थोड़ा एक्टिव होने वाले हैं। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इतनी सारी वीडियो इकट्ठी होगी हमारे पास एडिटिंग करने के लिए, ऊपर से होमवर्क, स्कूल का काम, पीयूष का, मेरा पीयूष तो अभी खाना खा रहा है। अच्छा मैंने ना बाजरे की खिचड़ी खाई आज, गर्मियों में सर्दियों में ना बाजरे की खिचड़ी कहते हैं बहुत अच्छी होती है, और हमने आज बाजरे की खिचड़ी मैंने तो खा लिया। पीयूष खा रहा है, पीयूष से मिलते हैं जाके। पीयूष क्या कर रहा है, पीयूष क्या कर रहा है। अच्छा तेरे स्कूल का होमवर्क क्या हाल चाल है, सही है, सारा काम हो रहा है, मैथमेटिक्स का काम हो रहा है। अभी इसके ना पेरेंट्स मीटिंग भी है, देखते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, देखते हैं कब क्या होता है, कितने मार्क्स लेके आता है एग्जाम में, अभी लगता है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा। और दोस्तों फेस्टिवल आने वाला है लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, तो सभी को एडवांस में हैप्पी लोहड़ी। आई थिंक मैं कल ही आज ही कर दूँगा अपलोड, इसको मैं पब्लिश कर दूँगा वीडियो, तो इसलिए एडवांस में हैप्पी लोहड़ी सभी को। और एक्चुअली ना पहले टाइम में ना लोहड़ी जब मनाते थे ना तो एक अलग ही टेस्ट होता था जो हमारे टाइम में, आजकल बच्चों को पता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा भाई। हमने पहले जाते थे ना घर घर जाते थे लोहड़ी मारने,
में पीयूष चुरा ले के कुछ करे एक कुछ ना फॉक सॉन्ग थे हमारे लोहड़ी के जो हैप्पी हैं एक तो ओए सुना कोई फॉक सॉन्ग का गुड्डू तेरे को आता नहीं आता आ जा थोड़ा सा आता है अच्छा क्या थोड़ा सा ओए मैं सुनाता हूँ हमेशा चलो देखो भाई हम एक मेरे को ना कुछ याद आया जैसे ना जब हम जाते थे ना किसी को तो उनका कुंडा खड़काते थे हम दरवाजा तो खोलता ना कोई तो जब आता था मैं यही था एक्चुअली क्या जब हम ना कहते थे आंटी जी लोड़ी दे दो आंटी जी अंकल जी जो भी आता था ना अंकल जी आते थे ना आंटी जी चलो जो आंटी जी आता था तू तुझे पता है मुझे पता है तू तो अभी पैदा हुई है मैं तो पुराना हूँ भैया पहले का पैदा हो रखा याद रखो बात चल गई तो एक्चुअली क्या ना जब दरवाजा खड़ा था तो अंदर से खड़ा था आंटी जी लोड़ी दे दो वो कहते ना लोही दे दो एक्टिंग करती रहती है खाली तू सुना फिर कोई गाना सुना दे लोड़ी वाला गाना सुना दे वो सुना दे टूबर टूबर जीवे तेरा छज नहीं यार तेरी यार इधर पूजा बल्ले इधर ची इधर सारे सॉन्ग का खराब खराब कर दिया ये एक्चुअली क्या था ये ऐसा था जब हम गाते थे ना ऐसे टूबर बस इधर अब मैं बताता हूँ चुप अब मैं शुरू टूबर सिखा रहा हूँ टूबर जीवे तेरा काका काके ने हमारा पद दे फुलिया था छज ये क्या कर रहे सुना दोबारा सुना एक्चुअली ना ये पता क्या है आजकल के बच्चे इतने मतलब कि हाईटेक हो गए शायद मुझे लगता है ये पहले जो एक चीज़ें थी ना बड़ी मतलब कि एक दूसरे को ना जोड़ कर रखती थी सभी फैमिलीज को जोड़ कर रखती थी बच्चे भी बाहर आउटडोर गेम भी खेलते थे और बच्चों में कॉन्फिडेंस था बच्चे ना याद करते थे अब बच्चे सारा दिन जब देखो कुछ कुछ नहीं चलो गूगल पर ढूंढते हैं चलो यूट्यूब पर चेक करते हैं पर उस टाइम तो बात ही कुछ और थी तो उसमें गाना पीयूष कहाँ गया आजा सुना तू भी सुना एक गाना नहीं तो फिर मैं सुनाऊंगा सुना दे टूबर नहीं आता इसको भी कुछ नहीं आता पता क्या अब मैं सुनाता हूँ आपको टूबर पटाखा यार पहले मैं बोलूँ तू बोलेगा पहले मैं सुन ले फिर तू सुनाइए टूबर टूबर ने मारा पटाखा जीवे तेरा काका काके ने मारा पद दे फुलिया दा छज आंटी जी लोई दे दो आंटी जी लोई दे दो अंकल जी तुझी लोई दे दो ओए क्या सुना अब टूबर ने मारा पटाखा जीवे तेरा काका काके ने मारा पद दे फुलिया दा छज अच्छा ले फिर ले फुलिया ले मुखली ले रेवड़ी ला का खाली भी बनाएगा खाली बनाए अच्छा एक गाना और था कौन सा था वो आखे मुंडे टांडा टांडा टन माई टक्कर टक्कर दे माई चक्कर तेरी लोड़ी अबे यार रोड़ी 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 है गलत बोल दिया तू दोबारा सुन आखे मुंडे टांडा टन माई टक्कर दे माई शक्कर चक्कर तेरी कोड़ी कोड़ी दे गुड़ी रोड़ी हैप्पी लोड़ी हैप्पी लोड़ी इधर आ इधर आ क्या लेकर रेवड़ी लेकर और क्या लेकर लोड़ी लेकर आया क्या खाने का लेकर आ रहा है क्या खाने जा रहा है कुछ लेके भी तो आना फिर एक वो था अच्छा तब क्या होता था आ जा आ जा यार कमाल यार तूने रोटी खा ली नहीं खा रहा क्या खा रहा था अब तू क्या खाएगा खाने अच्छा एक और एक नया और देखा मैंने साग विच मर्चा मर्चा तेरी कौड़ी हैप्पी लोड़ी अच्छा
आजा तू भी आजा। तू क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है ये गुड्डू, क्या कर रही है ये? क्या ये क्या ये क्या चीज है? ये चुन्नी है। अच्छा एक सिस्टम और था बड़ा। अच्छा जो हम जब जाते थे ना घरों में जाते थे, अगर कोई दरवाजा नहीं खोलता था या हमें पता लग जाता था भाई ये ना लोई देने वाले नहीं है, तो बच्चों को गुस्सा आ जाता था। तो बच्चे ना वो कहते थे जो उस घर में जाके पता क्या जोर से चिल्ला गए, अब सारे बच्चे तो एकदम बोल रहे हैं ये पागल हो गए। नहीं वो करेंगे ना, फिर वो क्या कहता था हम जब अगर कोई लोई नहीं देता था ना, तो हम पता क्या कहते थे लास्ट में भाई, उसको दरवाजे से हम खड़काया कोई निकल के बाहर आया नहीं, और हम कहते थे हुक्का भी हुक्का ये घर मुक्का। ये देखिए कुछ क्या कर रहा है। ये मेरा मजाक एक्चुअली ना, इसको आजकल के बच्चों को ना एक्चुअली मजाक लग रहा थोड़ा सा ये, एक्चुअली पहले वाक्य में होता ऐसा था। आपस में ना एक अंडरस्टैंडिंग थी बच्चों की, मतलब आस पास में मांगे थोड़ी कि यहाँ भाई यहाँ जो कोई करनाल में है तो वो दिल्ली जाके लोही मांग रहा है, या फिर वो करनाल में कोई माला जाके चला हुआ है। एक्चुअली क्या होता था, अपने पड़ोस पड़ोस में होता था सिर्फ, ये वो सिर्फ एक वो था एक जरिया था कि एक इंटरेक्शन करने का भाई, बच्चे बड़े खुश हो जाते थे, बच्चों के मूंगफलियाँ मिल जाती थी, रेवड़ी मिल जाती थी, और हमने तो तिल के लड्डू भी बनाए हुए हैं, गुड़ वाले लड्डू। दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ, नहीं दिखाऊँ मूंगफली मिल आया ओए, गुड़ वाले लड्डू दिखाओ भाई, गुड़ वाले लड्डू दिखाओ भाई, गुड़ वाले लड्डू मेरे को, जो लड्डू वो जो लड्डू लेके आया मेरे लिए, दिल वाले नहीं, दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले लड्डू, उसमें उसमें रखे ना पतीले में, तिल तिल ही तो कह रहा हूँ, चल तिल वाले लड्डू भाई, तिल वाले लड्डू, गुड वाले लड्डू की बोल रहे हो, ओए होए होए, ओए ये तिल वाले लड्डू हैं, एक्चुअली ना ये गुड़ के बनते हैं, गुड़ और तिल को मिक्स करके बनाए हैं, तो मतलब सारी चीजें ना एक्चुअली देखो हर चीज का ना अपना इंपॉर्टेंस है। ये सारी जो लोहड़ी का त्यौहार है ये सर्दियों में आता है, क्यों? क्योंकि इसमें रेवड़ियां खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, ये सब गर्म होता है, तो मतलब ठंड भी नहीं लगेगी, दो फायदे हो गए ना, लोहड़ी भी बन गई, ठंड भी नहीं लगी बच्चों को, ठीक है ना। मैंने खा लिया लड्डू, मैं अभी नहीं खाता, अभी तो मैंने रख दिया, पीछ ले ले भाई। तो ये एक ट्रेडिशन था जो बहुत ही अच्छा था, मतलब कि मैंने आपको दो तीन फोक्स बता दिए भाई। इसका अनिवेशा का डोर का घर देखो, वीडियो कह रही है वीडियो में, मैं डोर का घर दिखा दो, ये अनिवेशा ने बनाया है, अनिवेशा की अपनी क्रिएटिविटी है, ये देखो अंदर से, ये देखो अंदर से क्या यार, ये कैसे, ये क्या चीज़ है, ढक्कन तो इसका इन्हें इन्हें गत्ते का बनाया था, ये डोल, ये डोल कह रहा हूँ सॉरी, घर बनाया था, घर बनाया था। पीयूष मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, क्या दे दो, ले लो, दे दो, दे दो, दे दो, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे होता था भाई, क्या होता था, ओए सुनो, बिल्कुल ऐसे होता था जब हम ये तो पुराने जमाने, ओए अरे सुन तो लो मेरी बात, सुन लो मैं रुक जाता, बात सुनो, बात सुनो यार, बात सुनो, जब 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 जाते थे लोई मांगने, ऐसे पांच छह लड़के होते थे, तो ना जब लोग जाते थे ऐसे ऐसे पांच छह जने होते थे, अब कोई एक मुट्ठी भर के दे देता रेवड़ी की, कोई एक मुट्ठी दे देता था उसकी, तू क्यों छुप रहा है, तो कोई दे देता था एक मुट्ठी, ये देखो ध्यान से देखो क्या लड़के हो रहे हो भाई, अन्वेषा क्या, तो ऐसे ऐसे ना जब बच्चा एक मुट्ठी दे दी सबने, जब वो डिवाइड करने बारी आता था ना, किसी को कम ज्यादा मिल जाती थी, तो बच्चे आपस में लड़ने लग जाते थे, टूवर टूवर जीवित रखा कक्कर वाला बाद दे बोलिया था, चल क्लैपिंग क्लैपिंग। अच्छा एक वो था कौन सा था, साग भी साग, साग विच मिर्चा, मिर्चा तेरी कौड़ी, हैप्पी लोहड़ी।
सो गाइस यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:14 और दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहा था, ये देख सकते हैं लैपटॉप रखा है और पापा उधर आराम कर रहे हैं। अभी पापा ने मुझे मैथिसम भी बताया, पीयूष को मैथिसम समझाएंगे, समझ में आ गया पीयूष को अच्छी तरह। बस अब पीयूष एडिट, पीयूष को काम दिया हुआ है एडिटिंग करने का, एडिट कर ले पीयूष का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज वाले ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। और आपको अगर मेरे लोड़ी के जो फोक सॉन्ग्स हैं अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।